Hi friends, let's do a practice problem on coordination compounds. The question is, the magnetic moment of a compound is 5.9 bm Bohr magneton. Find the geometry of the complex ion. Given is X is a halide ion. सबसे पहले उसने magnetic moment दिया है. Magnetic moment का formula होता है. Magnetic moment is equal to root of N into N plus 2 Bohr magneton. Bohr magneton तो एक unit है, तो उसकी tension लेने की जरूरत नहीं है. रूट ऑफ एन इन टू एन प्लस टू, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले उसने जो वैल्यू दी है 5.9, उसको यूज करके मैं ये निकालूंगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो रूट ऑफ एन इन टू एन प्लस टू इज इक्वल टू 5.9, दैट इज एन इन टू एन प्लस टू इज इक्वल टू 5.9 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आके बच्चे सबसे पहले गलती करते हैं. अब स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. हमें एक लॉजिक ध्यान रखना है, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी एन इंटीजर नंबर, में या तो वह जीरो होगा, कोई अनपेयर्ड नहीं है, या फिर वन, या फिर टू, या फिर थ्री, या फिर फोर. कभी भी पॉइंट्स में तो आंसर आ ही नहीं सकता. इट कैन नेवर बी 1.3, इट कैन नेवर बी 2.5. तो आंसर हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही आता है. तो अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि n की कौन सी इंटीजर वैल्यू इसको अप्रॉक्सीमेटली सेटिस्फाई कर रही है. 5.9 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 ले लेता हूँ, तो 6 का स्क्वायर इज 36. n की वैल्यू अगर आप 5 डाल दो तो 5 इंटू 5 प्लस 2, दैट इज 5 इंटू 7, 5 7 जो 35. तो 5.9 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास ही होगा. तो दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई 5. अगर आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आंसर तो यही आएगा, एन इज इक्वल टू 5, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं. तो हमने एक चीज निकाल ली, दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज आर 5. अब हम पहले इस कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं. MnX42-. नाउ X उसने खुद बोला हैलाइड है, दैट मीन्स हर X पे -1 का चार्ज होगा. तो 4X पे मिला के कितना, -4 का चार्ज होगा. मैंगनीज पे लेट्स सपोज एक्स है, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू -2, सो एक्स बिकम्स इक्वल टू +2. दैट मीन्स मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है, +2. अब मैंगनीज का कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं. मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25. तो आप इसको पूरा लंबा लिख सकते हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. पर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं. ये तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा. आर्गन जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके बाद हमने 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 3d में 5 इलेक्ट्रॉन. तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन है ये. अब मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है, +2. तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मैंगनीज में से. तो इलेक्ट्रॉन निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं. आउटर मोस्ट शेल से मेरा मतलब है न्यूक्लियस से सबसे दूर. तो 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से रादर देन 3d के इलेक्ट्रॉन. तो न्यूक्लियस अगर ये है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे दूर जाता जा रहा है. तो 4s के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे. तो +2 का मतलब है 4s में 2 हैं, दोनों ही निकल गए. तो इफेक्टिवली कॉन्फिग्रेशन क्या बन गई, आर्गन. हम इसको 4s0 लिख सकते हैं, या आप चाहो तो 4s को ना भी लिखो तो भी चलेगा, 3d5. तो अब इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग. 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p, और 4p के बाद अगर जरूरत पड़ी तो 4d. ये सिचुएशन है. पहले क्या होता था, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. अगर आप मैंगनीज की बात करो, मैं प्लस टू की बात नहीं कर रहा अभी, दिस इज मैंगनीज, ठीक है. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 5 है. पर अगर आपने मैंगनीज को प्लस टू किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इफेक्टिवली सिर्फ 5 बचे. नाउ लीगेंड पे डिपेंडेंट है कि ये पांचों की पेयरिंग होगी या नहीं. अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा तो इन पांचों की पेयरिंग हो जाएगी, अगर लीगेंड वीक होगा तो इन पांचों की पेयरिंग नहीं हो पाएगी. पर अभी अभी हमने देखा दैट मैग्नेटिक मोमेंट वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाज 5. तो वैसे भी हमें ये पता है कि जो हैलाइड आयन्स होते हैं वो वीक लीगेंड्स होते हैं,
तो वो पेयरिंग नहीं करवाते। और ये चीज प्रूव कैसे हो गई, n इज इक्वल टू 5 से। तो हमने अभी अभी प्रूव किया था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो यहाँ पे मुझे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख गए। तो अब मुझे क्या बताना है, ज्योमेट्री। तो मुझे ये बताना है कि हैलाइडाइन कहाँ है। तो सिंस इनकी पेयरिंग नहीं हुई तो हैलाइडाइन यहाँ से आना शुरू करेंगे। तो पहला हैलाइडाइन यहाँ पे आएगा x माइनस, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो सारे x माइनस इस तरफ आएंगे। तो पहला s माइनस s में आया, बाकी तीन जो हैलाइड्स हैं वो p में आए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। और sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इसका आंसर आ गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसको जल्दी से रिकैप कर देते हैं कि हमने क्या किया एग्जैक्टली। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा के हमने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। फिर हमने मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले तो 3d5 बचा। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको हमें ऐसे ही रखना है। तो जो लीगेंड आएंगे वो 4s से आना शुरू होंगे, पहला लीगेंड 4s में आएगा, बाकी तीन लीगेंड 4p में आएंगे। तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू।